15 कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल राजीव भाई जी, जीओसी 19 इन्फेंट्री डिवीजन बारामूला, आईजी कश्मीर, डीआईजी नॉर्थ कश्मीर, इंडियन आर्मी के सभी वरिष्ठ अधिकारी, डीसी बारामूला, एसएसपी बारामूला, बारामूला के सम्मानित नागरिक, देवियों, सज्जनों और मित्रों, आज डेकर हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करके मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है और केवल प्रसन्नता नहीं बल्कि गौरव की भी अनुभूति हो रही है। मेरा हर काम देश के नाम, यह आदर्श वाक्य डेकर वार मेमोरियल में अंकित है और उसी भावना के अनुरूप डेकर डिवीजन और डेकर आर्मी परिवार ने मिलकर यह सुनिश्चित किया है कि देश को भी सुरक्षित रखना है और अपनी प्राचीन विरासत को भी संरक्षित रखना है। आम नागरिकों को कई बार आश्चर्य हो सकता है कि कैसे सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रही फौज संस्कृति और संस्कार को भी सहेज कर रखती। लोगों के मन में ये स्वाभाविक सवाल है, लेकिन इसका उत्तर मैं समझता हूं बड़ा अनोखा है और अनूठा भी है। यह गौरवशाली इंडियन आर्मी जो विरासत को बचाना भी जानती है और नए भविष्य का निर्माण भी करना जानती है, ये इंडियन आर्मी है जो आवाम की रक्षा में अपने खून के एक एक कतरे को न्यौछावर करने के लिए हरदम तैयार रहती है। आज इस अवसर पर मैं इंडियन आर्मी के उन बहादुर देशभक्तों को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने मां भारती की सेवा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है। उनके समर्पण, वीरता और कर्तव्य निष्ठा के कारण आर्मी ने एक प्रेरणादायी परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने में सफलता पाई है और पूरे समाज और राष्ट्र को जागृत भी किया है। उनके शौर्य और कर्तव्य परायणता के उदाहरण आज आवाम की एक बड़ी ताकत बनकर के उभरे और मैं समझता हूं अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करने वाले हर एक नागरिक के लिए हमारे सूरवीर सबसे बड़े आदर्श भी। मैं डेकर डिवीजन टीम को बुनियार मंदिर के संरक्षण, उसकी लाइटिंग तथा लेजर लाइट एंड साउंड शो के लिए भी हृदय से बधाई देना चाहूंगा। यह मंदिर जम्मू कश्मीर की अनमोल सांस्कृतिक विरासत है और हमारा जीवंत इतिहास भी। लेजर लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से डेकर आर्मी परिवार ने जिस प्रकार आध्यात्मिक परंपरा को पुनर्जीवित किया है वह भी समाज के सामने एक नए प्रकार का आदर्श प्रस्तुत करता है। हम अपने समृद्ध अतीत से प्रेरणा लेकर के कैसे उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं और विविधता में एकता की ताकत को और कैसे मजबूत बना सकते हैं। मैं जानता हूं दुनिया के बहुत कम देश मूर्त एवं अमूर्त विरासत के मामले में भारत की विशेषता की बराबरी का दावा कर सकते हैं। इसलिए मैं एक बात कहता हूं बराबर कि कला की अनमोल संपदा के आंतरिक मूल्यों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की बड़ी सख्त आवश्यकता है। नई पीढ़ी को यह मालूम होना चाहिए कि हमारा हेरिटेज सिर्फ पत्थर या ग्रेनाइट नहीं है बल्कि यह अंतरतम से उठी हुई प्रेरणा का एक साकार स्वरूप है। एक पुरानी कहावत है, किसी पेड़ की जड़ें जितनी गहरी होती हैं वह पेड़ उतना ही ऊपर उठता है। अगर हमारी नई पीढ़ी अपनी जड़ों से वही ऊर्जा लेकर आगे बढ़ती है तो मुझे विश्वास है कि भारतवर्ष को सफलता के नए आयाम छूने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर युवा पीढ़ी की जड़ें सांस्कृतिक परंपरा में गहरी जमी हुई है तब वह इस राष्ट्र को और अधिक सशक्त, प्रगतिशील और उन्नत बना सकेंगे। मुझे यकीन है डेकर हेरिटेज कॉम्प्लेक्स हमारी संस्कृति को आवाम तक पहुंचाने और देश के अन्य हिस्सों से
आने वाले पर्यटकों को उससे जोड़ने में अवश्य कामयाब होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संस्कृति की मूल विशेषता आवाम के चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चाहे ऐतिहासिक विरासत हो या म्यूजियम, हमारे सूरवीरों की जीवन दास्तां हो, सभी का एक ही लक्ष्य है कि चरित्र निर्माण के द्वारा आवाम को और उसमें भी विशेष रूप से युवाओं को राष्ट्र निर्माण से कैसे जोड़ा जाए। डैगर डिवीजन म्यूजियम ऐसे बलिदानियों के जीवन, कर्म, आदर्श और त्याग का एक प्रतिबिंब है जिनके पराक्रम से आवाम अपने वैभव को प्राप्त कर सका है। यह म्यूजियम उनके त्याग का सम्मान करने के लिए बनाया गया है ताकि हमारी युवा पीढ़ी उनके आदर्शों और मार्गों पर चले तथा उनके जीवन मूल्यों में अपनी आस्था को प्रकट करे। मैं मानता हूं इंडियन आर्मी अमन और विकास के हमारे संकल्प का एक प्रतीक चिन्ह है और आजादी के पश्चात से ही राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करने के साथ साथ आर्मी ने राष्ट्र निर्माण के मार्ग में भी बड़ा भारी योगदान दिया है। कई बार लोग सुरक्षा और विकास को अलग अलग तरीके से देखते हैं, जबकि सच ये है कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू। अमन में ही आशाओं और आकांक्षाओं के पुष्प पल्लवित हो सकते हैं और मैं समझता हूं कि राष्ट्र को सुरक्षित रखकर आवाम में अमन स्थापित कर आर्मी ने समावेशी विकास की दिशा में अतुलनीय योगदान दिया है। जम्मू कश्मीर में चिनार कोर और उसके अंतर्गत विभिन्न डिवीजन्स का साहस और सेवा का गौरवशाली इतिहास रहा है। चाहे फायर हो, फ्लड हो, मेडिकल इमरजेंसी हो, स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद हो, नौजवानों तथा महिलाओं का एम्पावरमेंट हो, सांस्कृतिक और सामाजिक क्रांति की अलग जगानी हो, ऐसे अनेक सेवा के क्षेत्र हैं जिनमें इंडियन आर्मी ने सदैव अग्रणी भूमिका का निर्वहन किया है। आवाम के मेरे जितने भी सम्मानित साथी यहां मौजूद हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि आप सब साक्षी हैं, पिछले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर समृद्धि और तरक्की के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। जम्मू कश्मीर को आत्मनिर्भर बनाना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, लेकिन यह तभी संभव है जब हमारा समाज, इंडस्ट्री और ह्यूमन कैपिटल के साथ साथ अपनी सुरक्षा के प्रति भी आश्वस्त हो, निश्चिंत हो। जहां एक तरफ आर्मी, केंद्रीय सुरक्षा बल और जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर जवान अमन और तरक्की के संकल्प के साथ इस महायज्ञ में अपनी आहुति दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आवाम की भी एक जिम्मेदारी है कि वह राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के हर प्रयास में साथ रहे, समाज से राष्ट्र विरोधी और अमन विरोधी तत्वों का बहिष्कार करना ये भी नागरिकों का एक दायित्व है। जम्मू कश्मीर प्रशासन, इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस, सुरक्षा बल आपके हितों की रक्षा के लिए संकल्पित हैं। जम्मू कश्मीर के उज्ज्वल भविष्य तथा सभी नागरिकों के सम्मानजनक, सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन के लिए ये सभी प्रयास और तीव्र होंगे, मैं आपको इसका भरोसा देता हूं। मैं एक बार पुनः टाइगर हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के लोकार्पण की आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं चिनार कोर परिवार के सभी सदस्यों को भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आपने जिस लगन और त्याग से जम्मू कश्मीर की सेवा की है उसके लिए राष्ट्र सदैव आपका कृतज्ञ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।